आप जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यह किसी गांव के गंदे पानी से भरे हुए तालाब की नहीं, बल्कि जिला श्री मुक्सर साहब में बने हुए कई साल पुराने वाटर वर्क्स के अंदर बने हुए पानी के बड़े बड़े टैंकों की है, जो कि मौजूदा समय में गंदे पानी से भरे हुए हैं और जिनमें दूर दूर तक बहुत अधिक गंदगी फैली दिखाई दे रही है, जिसकी सफाई की और विभाग की ओर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और साफ वाटर वर्क्स के अंदर बनी पानी की टंकियों की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है, जो कि जगह जगह से पानी को टपका रही है। आप देख सकते हैं कि वाटर वर्क्स विभाग की ओर से किस तरह लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब इन पानी के बड़े बड़े टैंकों में भरी हुई गंदगी के बारे में SDO रविंदर सिंह बेदी से जानकारी लेनी चाहिए, तो हर बार की तरह इस बार भी इनके दफ्तर में ताला लगा ही नजर आया। मुक्सर से इशफाक टुड्डी। पानी वाटर वर्क्स का जोड़ा बहुत गंदा आ रहा है और पीण के तो लायक है ही नहीं, वह कई बार तो कपड़े धोने के लायक भी नहीं, वह कई बार जनू ना पता लगे टैंकी दे विच पानी गंदा चढ़ जाता है, इन्नी प्रॉब्लम हो जाती है भी सारा जोड़ा टैंकी वाला पानी चंगा है वह भी सानू दोबारा टैंकी साफ करनी पैंदी है, वह भी दोबारा फिर चढ़ाना पैंदा है। जमा सीवरेज का पानी रल के नाल आउंदा है, इन्ना मुश्क मारदा भी कपड़े भी की पीण का लाई तो की होना सी, जिमें सीवरेज का पानी है उवें वह टूटियां बेच हुंदा है और कई कई दिन तक कई बार चार चार पाँच पाँच दिन पानी आउंदा ही नहीं। अपने पानी बहुत गंदा आ रहा जी, बहुत काफ़ी देर हो गई है, दो तीन बार वाटर वर्क्स असी गए उन्होंने गल नहीं सुनी, वो कहते साडे ना बैंक रोड से पैप टुटी हुई है तो असी ठीक करा रहे, मुड़ के कोई ठीक करा नहीं आया जी पानी। अरे वरतने का असं बाजारों पानी लैके खरीद के लै रहे जी, फिल्टर वाला पानी हजे तक दी ना गंदा पानी आ रहा जी, हजे तक दी ये काफ़ी साल हो गए जी, दो तीन रोजी ही असी आख्या जी, एक दो बारी इतने साडे जैन सभा च आया से उन्हें गल वाल ध्यान जमा नहीं दिता जी।